Assalamualaikum. How are you, babe? Good. Are you good? Yes. Did you miss me? वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो बेगम? ओए ओए, आप लोगों ने सेट निकाल ली सारे. उफ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से. ऐसा लग रहा केक नहीं होता, केक वनीला केक रखा हुआ है. अभी चॉकलेट चढ़ेगा यार. आप लोग इसका मतलब पूरे दिन लगे रहे क्या? अच्छा, अरीबा कह रही है अम्मी लगी रही, मतलब अरीबा चिल मार रही थी. इतने सालों बाद आज सोई है. दिन में सोई है आज. हैरान कुन. You do like that? बहुत खुश थे अरीबा घर में थी ना. मैं खुद बहुत खुश था, बच्चों को देख के बहुत खुश. भाई मेरी बात हुई थी ना, मैंने बोला भाई मैं ऊपर से इलाना आ गई इसकी तो ईद हो. ओए होए होए होए. अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. ना 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 ना. चीकी गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग? हे, टेल मी, मम्मी वाज एट होम, डिड यू गाइस हैव अ गुड टाइम? यस. वाई आर यू हैप्पी? यस. Good girl. Oh, what's that here? ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, चिलियाना का बता रही थी. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का नाम जबरदस्त. परिशे, who bring this? Iliana daddy? Yes. Okay, and look at this begum. ये मशीन कैसी है? हाँ? ये ब्लैक कलर है इनसाइड. हमारा ड्रीम था कि प्रॉपर, क्योंकि अरीबा और मुझे दोनों को कॉफी बहुत पसंद है बगैर चीनी वाली, तो ड्रीम था. हमेशा देखते थे, हम लोग बोलते थे यार जब अपना घर होगा ना तो एक, देखिए ये प्रॉपर ही कमर्शियल टाइप मशीन है तो ये खरीदनी है हमने, ब्रेविल की, बहुत जबरदस्त. खैर, मैं आपका भाई बरिस्टा भी है. भाई आपका भाई बरिस्टा है, काम कर चुका हूँ 2 साल, तो मुझे कॉफी सारी बनानी आती है. इंशाल्लाह इस तरह के जो है ना, मैं डिजाइन दिखाऊंगा आपको बना के. ओए होए, बेगम यार रैप कर दिया. अच्छा, पिज्जा डॉक्टर साहब लेकर आए यार. मैं तहे दिल से, बल्कि उनको मैं भी तस्वीर थैंक्स करूंगा, तस्वीर खींच के उनको भेज के. गॉड, आई लव पिज्जा. केक भी यार. चलो भाई, आप लोग ये करते रहिए, मैं तो खाना खाने जा रहा अपना. कहाँ है भाई डॉक्टर साहब का पिज्जा? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो कमाल ही है यार. आप दिस इज वेरी लग्जरी. हाँ तार, ये तो है. हाँ, और बाकी ये सब भी जो पेंडेंट खड़े हुए ना, इनमें भी तार नहीं हो, बगैर तार के ना हवा में लटका हुआ. ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो. ये कैसा दिया? एक परिशे, एक आप और तीनों, तुम लोग, आप लोग दोनों आप खड़े रहे. वाकई आप कह रहे थे ना सरदा गर्मा का. देखिए, आपको सरदा गर्मा तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये उसी तरीके की चीज है. लेकिन हमें, हम लोग को 2 सोफे वो वाले रखने ना उधर, ये इधर आएगा. अच्छा, ये इधर नहीं रखना है. हाँ, तो सही है. कितना खूबसूरत है ना. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज के व्लॉग में खुश आमदीद. आज हमारे पास एक नया मिशन है अपने घर के लिए. आपको पता है सेटिंग चल रही है घर की, और आज हमने पर्दों का करना है. और देखेंगे, हमने एक हॉल में टेबल सेट की है जो हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने है. कल ही सेट की है ये. और ये देखा आपने, हम लोग कितने 5 मिनट में पहुंच गए. हमारे घर से कितना करीब है सब, 5 मिनट में लगा हुआ. देखिए, वीवर स्पॉटलाइट आए हैं हम लोग. ये स्पॉटलाइट में आ चुके हैं हम लोग. और कैसी दुकान है? बहुत प्यारी. प्यारी है ना. आप तो ना, आप तो देखिए, आपको तो सिलाई कढ़ाई आती है, तो ज्यादा मजा आ रहा है. आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना. माइंड में तो था ये एयर फ्रायर लेना है. एयर फ्रायर ले लिया हमने अपने घर के लिए. और इसमें बनेंगे अभी समोसे. यम यम. तो फायदा ये है कि इसमें बगैर ऑयल के चीजें फ्राई हो जाती हैं. बगैर ऑयल के मतलब ये चीजें इसमें कुक होती हैं. ब्यूटीफुल पीस. ये ऑन हो गया है.
इसके अंदर चीजें रख के बस अंदर करके इसको हमने स्टार्ट करना है, दैट्स इट माइक। बड़ी जबरदस्त और बड़ी खूबसूरत सी चीज है। तरीके से ये बगैर ऑयल के हमारे समोसे एंड हमारे चिकन रोस्ट फ्राई हो जाएंगे और हेल्दी हेल्दी। ओके व्यूअर्स, जब तक हमारे समोसे बन रहे हैं आपको मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं। भाई हम लोग कर्टन लेने गए थे, लेकिन कर्टन में ये था कि दुकान में हमें जो है कंफ्यूजन बड़ी हो रही थी, साइज नहीं था। साइज ये था कि देखें विड्थ तो थी पूरी, जो चौड़ाई थी वो तो मिल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल जमीन तक वाला साइज नहीं था। अच्छा, दो मैट्रेस प्रोटेक्टर लिए थे क्योंकि दो अलग बेड है उनके बच्चों के। और ये परीशे एल्मा ने पसंद किया है भाई, ये दोनों का है। और मेरी बेटी यहाँ अपना बेड खुद सेट कर रही है भाई। कर्टन के पोल जो होंगे ना हमारे ऊपर जो लगती हैं, रॉड्स जो लगती हैं, ये बच्चों के, ये थीम जो है हमने ये सिल्वर कलर की जो है बच्चों की रखी है। देखें इसमें बहुत खूबसूरत जो है वो क्या बोलते हैं, डायमंड ब्लैक, हाँ अम्मी के रूम का है। और ये ब्लैक जो है, ये लंबा ब्लैक जो है भाई, ये यहाँ पे इधर पे टीवी एरिया में जो हमारा डाइनिंग एरिया है वहां पर। और ये सिल्वर भी दूसरा बच्चों के टॉय रूम में। और यहाँ अरीबा मेरी स्मूदी बना रही है। वाह, ओए होए, चिकन चिकन देखें, चिकन पका अंदर से। हो गया। आइए भाई एक चीज दिखाऊं आपको मैं क्या लेकर आया हूँ। देखिए हम लोग दुकान से होकर आ गए थे ना, देखिए मेरे दिमाग में था ये, मैं गया लेकर आ गया। कैसा दिया? सही ना? अब बनाऊंगा मैं स्मूदी और अच्छे से पीऊंगा, मजेदार। आप ये ब्लैक बेरीज होती है, थोड़ी सी रेसबेरी डाल दूंगा, ब्लूबेरी डाली हुई है इसमें। वाओ, हेलो, कोई छुपे ना छुपे मैं आ रहा हूँ। कैसा है बताइए, मजेदार ना? बस आपको बताता फिलूम के ये हमारी जो कॉफी मशीन, ये भी हमारी ड्रीम कॉफी मशीन थी। हम लोग सोचते थे यार कि अरीबा घर एक दफा बन जाए तो इसको भी अपना पूरा शौक, पूरा अपना शौक अदा करेंगे, इस चीज को बाय लाजमी करेंगे। यू लगाते आवाज आती है इसको और जबरदस्त, वेल डन माइट। टेप हटा लेंगे, लगाएंगे। देखिए भाई ये तो पहले तो हमें खुद भी वर्कआउट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क करती है प्रो। कॉफी जग देखे, वाह बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज ढूंढ रहे थे हम लोग। दूध गरम, दूध को फ्रॉथ करते हैं, ये मिल्क फ्रॉथर ये लगा हुआ। बैरामंडी फिश होती है, बहुत मजेदार फिश लेकर आया था मैं दोपहर में। देखे व्यूअर्स, एयर फ्रायर फैन हो गए भाई हम लोग। एयर फ्रायर को वैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत यूज करते हैं, लेकिन अभी यूज कर रहे हैं तो अंदाजा हुआ कि बेस्ट चीज है, बेस्ट। ये मैं चिप्स लेकर आया था, इसको भी एयर फ्राई करते हैं। किड्स गोना लव इट। वाओ, देख रही हो चिप्स, देखें व्यूअर्स कितनी जबरदस्त चिप्स बनी है, चेक करें एयर फ्राई में, मतलब इसके अंदर बगैर ऑयल के। व्यूअर्स रात हो गई है काफी, परीक्षा मेरी बेटी बोल के मुझे सोई है कि डैडी प्लीज मेरा बेड आज आप बना दें, क्योंकि देखें एल्मा सिस्टर का है पर मेरा नहीं है। अभी वो यहीं सो गई थी, मैं फिर उसको उसको बेड में डालकर आया, मतलब बेटा आज अभी सो जाओ, कल आप सुबह उठोगे तो बना हुआ होगा। ओके, तो भाई ये शक्ल निकली है मेरी बेटी परीक्षे के लिए, उसका बेड देख रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना जबरदस्त सेट हुआ है ना, परफेक्ट। आज का दिन भी हमारा बहुत ही बिजी रहा, बहुत ज्यादा काम थे, काफी चीजें करनी, मतलब हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि हमें लगता था कि मूव हो जाएंगे तो बस रिलैक्स है, बस आराम से, बस आराम करेंगे घर में सोएंगे लंबा, ऐसा नहीं है भाई, बहुत काम होते हैं आपको, ऐसा नहीं है मूव हो गए ख़त्म। मेरे ख्याल में असल लाइफ आपकी उसके बाद ही स्टार्ट होती है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, उन इन सारी चीज़ों में मज़ा आता है आपको, आप इंजॉय करते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं।
मेरे ख्याल में अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, आप काइंडली मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। अभी देखें ऐसा हो रहा है कि वीडियो काफ़ी कम बहुत टाइम टाइम लग के लग रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि भाई टाइम बिल्कुल नहीं है एडिट करने का। वीडियो बन तो जाती है लेकिन एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो दिस इज़ द रीज़न वी आर नॉट अपलोडिंग वीडियोज। इंशाल्लाह ये जैसे जैसे हम लोग हमारा घर सेटल होता चले जाएगा ये हमारी सिचुएशन भी बेहतर होती जाएगी। और मेरा टू बी ऑनेस्ट प्लान ये है कि फिर मैं डेली व्लॉग करूँ, एवरी डे एक व्लॉग करें और उसको एवरी डे अपलोड कर दें। साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त ले लूँ ताकि मैं फिर जाके रिलैक्स होकर सो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।